हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू राय कपल चैनल। और गाइस, आज होने वाला है 24 आवर्स विद आवर न्यू बेबी। और आप लोगों को बता दें, 1 मंथ हो गया हमारे बेबी का, तो 1 मंथ का हम लोग आज बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बर्थडे तो गाइस, 1 मंथ सेलिब्रेशन करेंगे आज। चोरिया बेबी को दूध पिला रही है। बाकी टुडे इज़ अ गुड मॉर्निंग, आई विल शो यू। बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है और सुबह हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। आज इस वीडियो में देखने वाला है कि हमारी लाइफ में कितने चेंजेस आ गए हैं बेबी आने के बाद, और किस तरह से हमारा दिन कट जाता है बेबी के साथ। और बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस है और बहुत मज़ा आता है। पता भी नहीं चलता टाइम का, बिल्कुल नहीं पता चलता कि अभी देखो सुबह हुई है और अभी एक प्रोसेस शुरू होगा। और आप लोगों ने देख लिया होगा, थोड़ा बहुत प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ऐश्वर्या भी बेबी को फीड करा रही है, फिर थोड़ी देर बाद बेबी क्या करता है, फिर ऐश्वर्या भी सो जाएगी, फिर उसके बाद मैं फीड कराऊंगा बेबी को। जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने 60 ml बनाया अभी मॉर्निंग के लिए, वैसे बेबी अब 90 ml पीने लग गई है। नाउ इट्स माई ड्यूटी एंड आई विल हैव फन विद माई लव वन, है ना शिनोचे? हम दोनों तो मजे करते हैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के। बस बेबी जितना हो सके ज्यादा दूध पी ले, बिकॉज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेबी जो होता है ना, बहुत ज्यादा दूध वेस्ट कर देता है। जो फॉर्मूला होता है वो तो हमारा आधी ज्यादा हम लोग वेस्ट ही करते हैं, पीती तो बहुत ही कम है। बट ये रहता है कि फॉर्मूला से थोड़ा सपोर्ट रहता है, बिकॉज जैसे आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया, ऐश्वर्या की तबीयत इतनी ठीक नहीं हुई है अभी, है ना, उसे रेस्ट चाहिए होता है, तो बैक में पेन एंड बहुत सारी चीजें रहती है। देख रहे हो कैसे पी रही है, 60 ml पीना है बेबी आज, है ना। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है, तो जो डॉक्टर ने हमें बोला है कि उसको तो 1 मंथ के बाद 90 ml पिलाना है, तो 1 मंथ हो गया, तो हम लोगों ने भी एक दो दिन पहले से ही 65, 70, 80 पिलाना शुरू कर दिया है। और ये खुद भी मांगती है, मतलब ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती पिलाते हैं, ये खुद ही मांगती है। बिकॉज अभी रिसेंटली इसका ना प्रोसेस चेंज हुआ है, तो पहले खाती थी पॉटी करती थी, खाती थी पॉटी करती थी, कुछ ऐसा प्रोसेस था इसका। अब क्या है, ये खाती है पॉटी नहीं करती है 2-3 दिन तक, और जब करती है तो बहुत सारा पॉटी करती है, मतलब पैनिक हो जाते हैं हम लोग, इतना पॉटी करती है। मतलब आपको अगर आज कल किया था इसने रात को पॉटी, तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा वो पॉटी बट बहुत सारा था, इट वॉज टू मच। बस कभी कभी ये क्या करती है ना, नहीं पीती है, सो जाती है, तो इसलिए हमें इसे जगाना पड़ता है। इसका जगाने का जो टेक्निक है वो ये है कि इसे कान के पीछे रब करना पड़ता है, यहाँ से जैसे मैं अगर कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पर रब करना पड़ता है मुझे इसको, फिर ये एकदम उठ जाती है और पीने लग जाती है। ये टेक्निक भी मुझे डॉक्टर ने बताया। जितने दिन मैं हॉस्पिटल में था, मैंने जितना हो सके कोशिश की है कि सारी टेक्निक सीख जाऊँ, जिस तरह से वो लोग केयर करते बेबी का, फटाफट फटाफट, ये लोग बहुत फास्ट केयर करते थे वहाँ पे, रोने भी नहीं देते बच्चे को। और उन्होंने बोला बेसिक, देखो अभी देखो कैसे हो गई, पी नहीं रही है अभी, ये तो बेसिक जो जरूरत होती है ना वो कंप्लीट करना कैसा होता है बेबी का, क्योंकि ये तो रोती रहेगी बेचारी, तो बोल नहीं सकती ना, तो हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि यार पॉटी कर लिया तुरंत, जैसी रोने लगे सबसे पहले डायपर चेक करते हैं हम लोग कि भाई टॉयलेट तो नहीं कर दिया, गीला तो नहीं है, देन उसके बाद जैसे ही खत्म होता है, फिर उसके बाद हम लोग उसको, हमें पता चल जाता है फिर से दूध ही पीना है, फिर दूध पिला देते, खुश हो जाती है। बट हाँ ये रहता है कि तुम्हें उठते रहना पड़ता है, लाइक हर 2-2.5 घंटे में। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले ही सोया हूँ 2:30-3 बजे, और मैं 5:30 बजे उठ गया था। आप लोग भी प्लीज अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत लंबे लंबे कमेंट करते हो, कई कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मुझे सजेशन दिया है, राय दिया है, और बहुत अच्छा लगता है उनको पढ़ के। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो मदर्स ऑलरेडी है, जो हमें बता रहे हैं कि यार ये करो वो करो, ये मत करो ये ना करो, तो हम लोग उसको फॉलो भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बस बोल रहे, बट वी फॉलो ऑल्सो। ऐश्वर्या तो सो रही है बिकॉज वो बहुत थकी हुई है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो ड्यूटी थी उसकी थी बहुत लंबी, जहाँ पे इसने काफी देर तक मिल्क पिलाया उस बेबी को, तो काफी लंबी ड्यूटी थी मम्मी की ना, अब पापा की ड्यूटी है, सो इट्स माय टर्न। इसलिए व्लॉग की शुरुआत मैंने की है, फिर थोड़ी देर में ऐश्वर्या कैरी ऑन करेगी इस व्लॉग को। ये देख रहे हो हमारा प्यारा सा बच्चा 1 महीने का हो गया है आज, और पता भी नहीं चला, बिलीव मी, ऐसा लग रहा है कि कल की ही बात है जब बेबी बॉर्न हुई थी, और 1 महीना हो गया है, एंड इट इज ब्लेसिंग। बहुत मज़ा आ रहा है, यू नो मैं हमेशा चाहता था कि अपने बच्चे को टाइम स्पेंड करूँ, उसके साथ रहूँ, तो आई एम डूइंग इट, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ। 1 महीना हो गया पूरा, हो गया 1 महीना, हो गया 1 महीना, हो गया, खोल जाओ अंजा, खोल जा, 1 महीना हो गया है, ठीक है, सब जने इसको इस करना,
सेहतमंद रहे, अच्छे रहे, अच्छा पढ़ाई करी, अच्छे करेगी, सब कुछ अच्छा करेगी, अच्छा करके ठीक है। बर्थडे कांची, आज एक महीना को भाई। So guys, ये बर्प कराना पड़ता है इसको थोड़ा सा पीने के बाद। इसका बाप ने उसको जितना भी जो भी करे सोती रहती है, मैंने गाल में मारा, इधर करा, उधर, कुछ मतलब नहीं। तो मैं पिलाने के लिए मैंने बहुत सारे टेक्निक सीख किया है बट पी नहीं रही है, तो आई थिंक इसका पेट भर गया है। कभी कभी डकार मारती है बहुत सॉलिड ऐसे करती है। इस खिलाने पिलाने के बाद अब आता है मेरी बेबी का डायपर चेंज करने का टाइम। है ना, डायपर भी तो चेंज करना पड़ता है पापा। तो मैं अपनी बेटी का जो मेरे को गाल है ना, मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल टमाटर की तरह गाल है। तो जो इसका निक नेम है मैंने रखा हुआ है टमाटर, तो उसको निक और कर दिया मैंने, इसका नाम रख दिया टम टम। तो कमेंट करके बताना कैसा नाम है, और कोई सजेशन हो तो निक नेम के लिए बताना जिनके गाल मोटे होते हैं। टम टम वैसे इतना गीला नहीं किया डायपर, मतलब ठीक है, बट फिर भी चेंज कर देंगे बिकॉज टॉयलेट तो किया है इसने काफी। टम टम बिटू टम 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 बेटा, अभी तो पहला महीना है, पता नहीं कितने निकनेम रख दूंगा मैं इसके। सो गाइस वेलकम बैक, और अब मैं उठ चुकी हूँ फाइनली, और आप देख सकते हैं रोशन एंड बेबी दोनों सो रहे हैं, तो दोनों मस्त सो रहे हैं। तो अब मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू करने वाली हूँ, और सबसे पहले मैं मॉर्निंग में अपना दवाई लेती हूँ थायरॉयड की। तो प्रेगनेंसी जब से मेरी हुई है शुरू, तो उससे मेरा थायरॉयड बढ़ गया है, तो खाली पेट लेनी होती है सुबह। और इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा नैप लूँगी जब तक बेबी उठती नहीं है, और जब बेबी उठ जाएगी फिर मैं उसको फीड कराऊँगी, और उसके बाद फिर मेरा ब्रेकफास्ट होगा मेन। तो अभी के लिए यही है, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और रोशन के काम दिखाती हूँ मैं, डायपर तो चेंज किया और फेंका है कहाँ पर वो भी दिखाती हूँ। बेबी का डायपर यहीं पर छोड़ दिया है इसने, और यहाँ पर सो रहा है। सो गाइस 8 बज गए हैं, और दवाई के आधे घंटे बाद मैं खा रही हूँ अपना सीरियल। तो इसमें मैंने रागी बाइट्स विद चॉकलेट फिलिंग वो डाला है, और साथ में थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स डाला है। तो अभी मैं ये खा रही हूँ, उसके बाद पहले मुझे सीरियल बिल्कुल पसंद नहीं था, कॉर्नफ्लेक्स ओट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बट प्रेगनेंसी के बाद मैंने इतने ओट्स खाए कि अब मुझे ये सब बहुत पसंद आने लग गया है। तो अब आपसे मिलता है थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे मेरे लिए बन रहा है ब्रेकफास्ट 2 है इसका नाम। पहले मैंने थोड़ा खाया, फिर मैंने नैप लिया, और अब दोबारा उठ के मैं दोबारा खा रही हूँ। अब लोग ना इंटरवल में सोते हैं, ब्रेक ले लेके सोते हैं, सोना पड़ता है। So guys, breakfast is ready. Hello, madam, myself. Your breakfast. आप पकड़ लो बस प्लेट में, वो टेबल देता हूँ आपको। Thank you. वड़कम। और ये मम्मी दूध पिलाते हुए हमारे नन्हे मुन्ने राई को। अजराम भूल गई थी बप करना। भूल गई थी। हमारे जमाने में कुछ नहीं कराते थे ऐसा। So guys, breakfast खिला दिया ऐश्वर्या को, बेबी ने भी खाना खा लिया। अब मेरी बारी है जिम जाने का, मैं जिम जाता हूँ, एंड मिलते हैं थोड़ी देर में। हमने बेबी को रेडी कर दिया है, कितना पाला बच्चा है मेरा, न्यू ड्रेस में, कितना पाला है। और अब इसके साथ हम लोग रील्स भी बनाने वाले हैं आज, 1 month वाला। यस, ओ गाइस, मैं जिम करके आ चुका हूँ, नहा लिया मैंने, एंड एवरीथिंग इज सेट। अब हम बनाएंगे रील्स में, और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस व्लॉग में, बिकॉज एक तो 24 आवर्स विद बेबी है, और आपको पता नहीं अभी रात भी होनी है, रात का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है गाइस। आप लोग बहुत मजा आएगा वो प्रोसेस देखने में, बिकॉज कई बार ये सोती नहीं है और बहुत हम लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे अभी ये ना जगी हुई है, इसने खाना भी खा लिया है, नहा भी लिया है, सब कुछ डायपर वाइपर चेंज सब कुछ कर दिया, अब इसका मन है खेलने का, तो अभी मुझे इसे खिलाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। देख रहे कितना शांत बैठी हुई है, और इसकी आंखें खुली हुई है, अभी मेरी तरफ देख रही है, पापा लौ दिन धरते पापा। तो गाइस अब बेबी का है प्ले टाइम, और मैंने काफ़ी रील्स और वीडियोस में देखा है कि जो बेबी 1 month या 1 month प्लस होता है, इवन न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं वो एक्चुअली पूरा उनका विजन क्लियर नहीं होता, जब 1 month और 1.5 month होते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। तो उसके लिए ये ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स आते हैं, हाई कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स, जिसमें अलग अलग सिम्बल्स और अलग अलग चीज़ें बनी होती है, आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूँ, बेबी का जब प्ले टाइम होता है तो उसको इससे ना उनका ना विजन का डेवलपमेंट अच्छा होता है, सब बोलते हैं। सो आई विल ट्राई दीज, और देखते हैं वो कितना इसको रिएक्ट करती है इन पे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि जो आपने मंगाया ये कितना यूजफुल है, इससे तो हिप्नोटाइज हो जाएगी ऐसा लग रहा है। हिप्नोटाइज हो जाएगी।
देखो देखो क्या ये पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो देखो क्या ये पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। मैं भी खेलूंगा, मैं स्पेसशिप दिखाऊंगा मेरे बच्चे को, स्पेसशिप स्पेसशिप। पापा इसी को तो बोलते हैं स्पेसशिप, जिसमें आप उड़ के जाओगे स्पेस में। नहीं जाओगे? अरे मेरा बादशाह तेजी नहीं जाओगे। मेरा हो गया मसाज का टाइम, तो आप देख सकते हैं रोशन बड़े अच्छे से मेरे पैर की मालिश कर रहा है। यस, और ये मैंने मसाज सीखा है मम्मी के साथ, मम्मी को कर करके मसाज में मैं बहुत ट्रेनिंग ले चुका हूँ। और फिर यहाँ पे एक दाई आती है जो ऐश्वर्या का मसाज करती है, उनका भी मसाज देखा मैंने टेक्निक, उनको भी देख के थोड़ा सा मैं सीखा हूँ। और मेरी आदत है हमेशा मैं हर चीज़ सीखने की कोशिश करता हूँ, ट्राई टू लर्न एवरी डे, कुछ ना कुछ नया लाइफ में हर रोज़ सीखना चाहिए, कुछ भी हो, चाहे वो तुम कुछ बना रहे हो, धीरे धीरे सीखते रहो, हमेशा एवरी डे अपने आप को अपडेट किया करो किसी ना किसी चीज़ में। सो गाइज वेलकम बैक, और मैं थोड़ी सी रेडी हुई हूँ बिकॉज अभी हम लोगों को एक शॉर्ट वीडियो बनाना है और साथ में मुझे एक फ़ोटो भी लेनी है। तो बहुत टाइम बाद एक्चुअली डिलीवरी के बाद मैं अब जाके थोड़ा रेडी हुई हूँ, और अब जाके मैंने अपने हेयर वॉश करके मतलब विदाउट ऑयल के अब निकले मेरे हेयर, अब जाके मैंने कुछ सेट किए अपने बाल, बिकॉज रोज़ ऑयल लगता है मेरे बालों में, बट अभी नहीं तक नहीं लगाया मैंने बिकॉज शूट करना है। अभी बेबी को लेके आऊँगी और हम दोनों एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाएंगे जो कि आपको देखने को मिलेगा, बट अभी नहीं, काफ़ी टाइम बाद। एक्चुअली वो 1 मंथ की हुई है, तो हम लोग एक सीरीज शूट कर रहे हैं हर मंथ पे, उसमें हर मंथ में उसके साथ एक हम लोग छोटा सा वीडियो बनाएंगे, आप लोगों ने देखी भी होगी, रील काफ़ी ट्रेंड कर रही है, तो वैसा कुछ बनाना मुझे, और साथ में फ़ोटो भी डालनी है। तो उसके लिए बिफ़ोर एंड आफ्टर में कोई फ़ोटो लेनी थी, तो बिफ़ोर मैंने ले रखी है, अब आफ्टर वाली फ़ोटो लेनी है, तो यही प्लान है अभी के लिए। और बेबी अभी मम्मी के साथ है, तो बेबी को लेके आएंगे अभी। लेट्स गो गाइस, बेबी को लगा यहाँ पे भूख, और मैंने थोड़ा सा मिल्क पंप करके रखा था, तो अभी रोशन वो गर्म करके लाया, और मैं यहाँ पे खा रही हूँ अपना खाना। बस बस, तो जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ, कुछ काम करने बैठती हूँ या वॉशरूम में नहाने जाती हूँ, तब बेबी को इतना भूख लगता है ना, तो हमें कुछ ना कुछ इसलिए बैकअप रखना पड़ता है। तो मोस्टली मैं सुबह अपना मिल्क पंप करके भी रखती हूँ, और अगर नहीं होता तो टॉफी देना पड़ता है, तो अभी यही चल रहा है। रोशन ने ज़्यादा गर्म कर लिया था, तो अब देखो कैसे ठंडा कर रहा है। मेरी बेबी रो रही है, जल्दी दे बेबी को खाना। सो गाइस, बेबी हमारी ड्रिंक पी रही है, और ये है हमारी बेबी का असली चेहरा। बेबी इधर आओ, अपना असली चेहरा दिखा दो सबको, ऑडियंस को, थोड़ा और पास आओ ना। सुंदर असली चेहरा कौन सा था मेरा? लेकिन आप सुंदर बहुत हो, मैं आपको आज बता दूं कितनी सुंदर लग रही है। गाइस प्लीज कमेंट कर देना अगर मेरी बीबी सुंदर लग रही है तो। कितनी सुंदर क्यों है मेरी बीबी, आपने देखा? तो ये भी नहीं देख पा रही बेचारी, कुछ नहीं देख पा, बच्चे की माँ नहीं लग रही आपको? लग नहीं रही ना बच्चे की माँ, बिल्कुल नहीं लग रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है कि तुमने बच्चा ही नहीं पैदा किया। ऐसा पता ही नहीं चल रहा तुमने बच्चा पैदा करा। सच बात है। नानू आप पास तो, आप पास आओ ना। आपको क्या करूं पास आके? ओ यार क्या था? तब से मम्मी ने भी नोटिस नहीं किया यार। क्या था? इसका आईलाइनर ऐसा अजीब सा हो रखा था पूरा वीडियो में। और किसी ने मम्मी आवा, तब से आप बात कर रहे हो, नोटिस ही नहीं किया, देख रहे हो गाइस। सो गाइज हमारे यार काफी टाइम निकल जा चुका है, मतलब 5 बज चुके, अगर देखा जाए तो 12 घंटा ऑलमोस्ट हो गया। मैं 5:30 बजे उठा था, तो 5:30 से 5 12 घंटा हो चुका है बेबी के साथ। अब 12 घंटा और रह गया है इस वीडियो में। आई थिंक एक्चुअली पूरा दिन ऐसे 5 बजते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता। और रात में जब हम बैठते हैं तो 12 बजे से हम लोग शुरू करते हैं इसको दूध पिलाना, फिर ये सोती है, फिर रोती है, तो बड़े ऐसे 3-4 बज जाते हैं, पता भी नहीं चलता हमें, हम लोग बस टाइम देखते रह जाते हैं। मैं कई बार 3 बजे सोता हूँ, फिर 6:30 5:30 बजे उठ जाता हूँ, ऐश्वर्या भी। और अभी हम लोग यही कर रहे हैं कि कभी ये उठे कभी मैं उठूं, बट जनरली क्या होता है हम दोनों को ही उठना पड़ जाता है, बिकॉज ऐश्वर्या अभी फुल एंड फाइनल ठीक नहीं है। तो जब तक वो अभी अपने रिकवरी मोड में, तो आई थिंक अभी हम दोनों को मिलके संभालना पड़ेगा बच्चे को। बाद में हम देखेंगे कि इतने टाइम बाद मैं देख रही हूँ अपने खुले बाल। मैंने सीरियसली मतलब जब से डिलीवरी हुई तब से रोज बाल बांध के और तेल लगा के रखा, आज ही मैंने खोले अपने बाल, तो कितना अच्छा सा लग रहा है। नहीं यार ब्यूटीफुल भी लगते हैं मुझे तो, ऐश्वर्या हमेशा ब्यूटीफुल लगती है, चाहे वो टोपी पहने या वो जो भी इसने लपेट रखा था उसमें ब्यूटीफुल लगती है। देखा कैसे देख रही है, तो ये मुझे हमेशा सुंदर लगती है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई एवर सीन, और एंड इवन यू आर ब्यूटीफुल। मैं इसे हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं लिटरली पता नहीं क्यों इससे इतना प्यार करता हूँ। मैं इसे बोलता हूँ तूने जादू टोना तो नहीं किया मेरे ऊपर कुछ?
सो गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं। सो गाइस बेबी सो गई है और अब मैं भी थोड़ी देर में बेबी के साथ सोने वाली हूँ, एक नैप लेने वाली हूँ, बिकॉज हम लोगों ने अपनी रील शूट कर ली, फोटोज ले ली और बाकी सारे काम कर लिए, खाना पीना सब डन है। तो अब मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि मैं क्या खाने वाली हूँ नेक्स्ट। तो अब मैं खाने वाली हूँ लड्डूस, यस लड्डू। तो बेसिकली ये है ड्राई फ्रूट्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्चुअली एक चीज़ नहीं है इसमें, ड्राई फ्रूट्स है, इसमें गोंद है और इसमें चना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली, मैं बता नहीं सकती। ये मम्मी ने बनाया मेरे लिए स्पेशली और बहुत मेहनत से बनाया, आप लोगों ने रौनक की वीडियो में भी देखा होगा कितनी मेहनत से बनाया उन्होंने मेरे लिए, और बहुत टेस्टी लड्डूज हैं। मतलब मैं एक खाती हूँ तो मेरे को एक और खाने का मन करता, फिर एक और खाने का मन करता है। तो मेरा सर्जरी हुई थी तो अलाउड नहीं था मुझे मतलब लड्डू खाना, बिकॉज ये घी में है तो बहुत इसमें घी है और साथ में बहुत गर्म रहता है बॉडी के लिए। तो अब 1 मंथ हो गया है, तो 1 मंथ होने के बाद मैं ये लड्डू अब खा रही हूँ और बहुत यम्मी लड्डूज है। तो बस अब लड्डू खाएंगे और उसके बाद अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। नैप तो ले नहीं पाए बिकॉज बेबी एकदम से रोई और मैं भी कुछ काम कर रही थी, मैं एक्चुअली एक स्टोरी डाल रही थी इंस्टाग्राम पे, मैं वो भी डाल ही नहीं पा रही बिकॉज वो रोती है, फिर मैंने उसे शांत करा फिर वो रोने लग गई। तो बाद में पता चला उसके बेचारे की गैस हो रही थी, कॉलिक हो जाता है बेबीज को, तो अभी उसको हमने दवाई पिलाई है और यहाँ पे डैडी उसको एक्सरसाइज करा रहे हैं, आप तुम देख सकते हैं। कोई नहीं बेबी, कोई नहीं, हो जाएगा ठीक, गैस ही तो है, अभी निकाल देंगे डैडी, देखो 2 सेकंड में डैडी गैस निकाल देंगे आपका, डुबू 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 डुबू, साइकिलिंग कैसे कहते हैं बच्चा। अब अच्छा लग रहा है ना इसको, अच्छा अब लग रहा है, बेटर लग रहा है, लेकिन अभी भी है थोड़ा गैस है ना। अभी हम लोगों ने इसे कॉलिकेट दिया है, जो ये बिल्कुल पीती नहीं है, निकाल देती है मुंह से, पर इसका चेहरा देखने लायक होता है, अगर कभी नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे जब तो जरूर करेंगे। सो गाइस शाम की पार्टी शुरू हो चुकी है और पार्टी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मोमो। मोमो मतलब आपको क्यों पसंद आवा? अच्छा लगता है हमारा खाने है, ये खाना है नेपाली की, दिखाती है नेपाली गोरखाली तिब्बतन सब यही है, हमें पसंद है, हमें पसंद है, हमें बनाना भी अच्छा लगता है और दूसरे को खिलाना भी अच्छा लगता है। अरे बहुत बड़े, क्यों अच्छा लगता पूछ तो, क्यों अच्छा लगता है हमें, हमारा तारीफ होते है ना, वाह क्या बना है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, वाह वाह वाह। मैं मम्मी के खाने का ना मतलब गाइज आप लोग मेरे चैनल में मेरे मुंह से सुन रहे होंगे, मैं मम्मी के खाने का मतलब पागल आदमी हूँ। जहाँ भी मैं काम करती हूँ, जहाँ भी रहती हूँ ना, हाँ। दीदी को हाथ का खाना बहुत मिस करती हूँ। गाइज मैं भी, मैं बताऊँ, मैं एक साल मुंबई रहा हूँ, एक साल मुंबई रह के मैंने एक चीज सीखा है, अगर तुम माँ का खाना खा नहीं सकते हो मतलब तुम उससे दूर रह सकते हो तो तुम मुंबई में रह सकते हो, वरना तुम यहीं आ जाओगे वापस, क्योंकि माँ का खाना कहीं नहीं मिलता यार, मतलब बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, खाना ही होता है परफेक्ट खाना। सो ये रहा मोमो, दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। सो गाइस मैंने आपको मोमो दिखा दिया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ और भी चीजें जो बनी हुई है, अभी से मैंने आपको झलक दिखाया, इट्स जस्ट लाइक अ टिप ऑफ अ आइसबर्ग। सो गाइस दिस इज टाइफो, पहली बार मतलब इतने टाइम से व्लॉग बना रहा हूँ श्यामा, मैंने कभी मोमोज डाला ही नहीं है मेरे व्लॉग में, ये फर्स्ट टाइम मोमोज बन रहा है, और क्यों बन रहा है, क्यों बन रहा है आमा, एक बार जोर से बोल दो क्यों बन रहा है। छोटू को 1 मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आज 1 मंथ का, अगला महीना 2 मंथ का, 3 मंथ का, एक साल तक रहेगा, एक साल तक चलता रहेगा, धूम धमाका हो जाएगा, उसके बाद साल में एक बार। हमारे चैनल में पहली बार मोमोज की रेसिपी भी शेयर कर सकते हैं हम लोग, कुछ शेयर करोगे कुछ थोड़ा सा रेसिपी? हाँ। रौनक के चैनल में देख लेना, सब बताया अभी भी शूट करा उसको। सो गाइस रौनक के चैनल में जाके देखना, वहां पे सारे रेसिपी शेयर कर चुकी है आमा, हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम बस बता रही है कि मोमोज बन रहा है, बाकी आप लोग जाके रौनक के चैनल में जरूर देखना, और प्लीज सब्सक्राइब माई ब्रदर चैनल एंड माई सिस्टर चैनल ऑल्सो। यस लोगों को दिखाता हूँ, मेहमान बहुत सारे आए हुए हमारे व्लॉग में, यू नो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा छोटा भाई यहाँ पर है जो अभी व्यस्त है, बिकॉज वो पार्ट टाइम व्लॉगर और फुल टाइम यू नो कोच है, बहुत मेहनत करता है मेरा भाई। हमारे घर में क्या क्या चलता है, आज 24 आवर्स कर रहे हैं, तो हमारे घर में ये चीजें भी होती है कि मेरा भाई एक कोच है तो अपने स्टूडेंट्स को समझाता है, पूरी तरह बताता है, उनकी मदर है। आपको कैसा लगता है मतलब स्केटिंग में कैसा फील होता है, थोड़ा बताओगे? बताओ अब बताओ, कैमरा घुमा लिया मैंने, अच्छा लगता है सर, अच्छे सिखाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मेरी बेटी को बहुत अच्छे से सिखाते हैं, समझाते हैं। नहीं नहीं मैंने देखा भी है, ये बहुत अच्छे स्केटिंग भी कर रही है, स्केटिंग देखिए बहुत अच्छा कर रहे हो आप, मेडल भी जीत रहे हो ना, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये 80% टाइम इज अ कोच और बहुत ही सिंसियर कोच है, कॉन्टेक्ट हिम। 20% यूट्यूबर। फैमिली से मिलाते हैं बाकी,
यस यस। देखो मामा के पास है, मामा तो भाई पहली बेटी कितना कनेक्टेड होता है मामा से। मामा का साथ बहुत हो जाता है, मामा मतलब मामा। नहीं तो पैर कैसे रखूं, पैर नहीं नहीं सही है सही है। अरे नहीं तू तो अबे पैर वैर नहीं यार, ये तो बेचारा एक तो बहुत सीधा आदमी है। सो गाइस टाइम तो सर्व हो चुका है, और बड़ी मम्मी बच्चे के साथ बड़ी मम्मी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, बड़ी मम्मी अच्छा लग रहा है आपको? इस पार्टी चल रही है दबा के एकदम बेहतरीन तरीके से, अब एंड में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे होने वाला केक कटिंग सेरेमनी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी वन मंथ, हैप्पी वन मंथ गाइस, मासूम बर्थडे रिस्टी, आज इसको कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू पार्टी खत्म हो गई, सारे गेस्ट घर चले जा चुके हैं हमारे, मतलब गेस्ट क्या बोलूं, फैमिली अपनी सारे घर चले गए, बाकी रही मम्मी, मम्मी सब सो गए और यहाँ ऐश्वर्या बेबी को दूध पिलाते हुए। बाकी आई थिंक अब जो टफ टास्क है अब शुरू होता है, क्योंकि अभी तक कोई टफ टास्क शुरू नहीं हुआ था हमारा। वी आर इन्जॉइंग अ लॉट, पूरा दिन आप लोगों ने देख लिया, एज अ पेरेंट्स हम लोग काफ़ी फन करते रहते हैं और सही है, बढ़िया लगता है। मम्मी ले जाती है बीबी को, मम्मी संभालती है, छैमा है, मम्मी है, रुस्ती है, रूही भी आई थी बीच में, तो सो सब प्यार मोहब्बत देते रहते, तो पता नहीं चलता बीबी का। हमारा सोने का टाइम हो चुका है और ऑलमोस्ट एक बज गया है, तो एक बजे हम इसको अब सुलाएंगे, इसको दूध पिला चुके हैं, अब करा रहा है रोशन, फिर हम उठेंगे अब 3 बजे 3:30 बजे के करीब, तो हमारी हालत नहीं होगी वीडियो बनाने लायक, अभी हालत नहीं होगी, अभी हालत खराब होगी, अब रोशन की ड्यूटी लगेगी, मैं तो सोऊंगी यार, मैं आज बहुत थक गई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बहुत लोग आए हुए थे, और तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड बिकॉज अब नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वीडियो आने वाला है गाइस, बिकॉज मैं करने वाली हूँ बेबी का 1 मंथ का फोटो शूट। यस, वो भी घर पे होगा वो फोटो शूट, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने एक एक चीज थीम वाइज सोचा हुआ है, वो आप लोग देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, अभी मेरी उतनी रिकवरी नहीं हुई है कि मैं ज़्यादा ट्रैवल करूँ या ज़्यादा चल पाऊँ या खड़ी रह पाऊँ, तो वो भी मैं करूँगी, प्रोफेशनल फोटोशूट भी कराएंगे बेबी का, बट वो बाद में कराएंगे, तब तक जब तक ये इसके 1 मंथ और 2nd मंथ जो भी माइलस्टोन्स है वो कंप्लीट होते रहेंगे, तो मैं घर पे ही, मैंने सोचा है अपने मतलब जो बेड पे करते हैं लोग फोटोशूट बेबीज का, वैसे ही मैंने कुछ थीम सोचा है, तो मैं करूँगी वो, तो नेक्स्ट वीडियो आपको वही मिलेगी, हमारा बेबी का 1 मंथ का फोटोशूट। यस, स्टे ट्यून्ड गाइस, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, गुड नाइट।